एनर्जी डेंसिटी कितना होता है ये हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। सो मैं क्या करता हूं, एक सोलेनॉइड लिया, सेल्फ इंडक्टेंस एल, करंट इज आई, सो क्रॉस सेक्शन इज आर, है ना, लेंथ एल, नंबर ऑफ टर्न्स एन। अगर मैं पूछूं इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, सो दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी। अगर मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम कर लूं, यही चीज हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बी के टर्म में लिखना है, तो यहां पे देखना हाफ। अब यहां पे तुम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाला था, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो और बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, सो आई इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट एन। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एल, है ना। सो ये लिख लो यहां पे, ये लिख लो यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस ये वैल्यू, और चेक करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। कोई चेक करके बताओ आ रहा है कि नहीं। जो नेक्स्ट है वो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। और तेजस तूने जो कहा इंडक्शन कॉइल एग्जैक्टली इसी का एप्लीकेशन है, अच्छे बर्बाद पढ़ लेना इंडक्शन कॉइल। ईडी करंट क्या है, सपोज दिस इज अ मेटल प्लेट और इस डायरेक्शन में यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, अभी तक हम लोग क्या करते थे कोई वायर लूप लेता था, अभी तक मैंने ये पूरा मेटल प्लेट ले लिया, दिस इज द प्लेट, और इस रीजन में हमने बी को चेंज करा दिया, अगर बी चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस जो होंगे वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्किल मूव करेगा, कोई ऐसे मूव करेगा, है ना, कोई ऐसे मूव करेगा, बहुत सारे सर्किल्स बनेंगे क्योंकि ये हर डायरेक्शन में जा सकता है, तो रैंडम बहुत सारे लूप्स क्लोज लूप बन जाएंगे, बहुत सारे करंट हो जाएंगे सर्किट में, मतलब कोई वेल डिफाइंड करंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ईडी करंट, रैंडम नंबर ऑफ करंट लूप्स विल फॉर्म।
जिस इलेक्ट्रॉन्स को जिधर मौका मिला वो उधर घूम गया। सो इसमें बहुत सारे जब करेंट्स लूप्स है तो क्या होगा, इसमें एक हीट जनरेट होगा। नहीं, ये हीटिंग इफेक्ट आएगा, इसमें ये हीट हो जाएगा, मतलब सर्टनली कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म का जो एनर्जी है वो एनर्जी इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कभी कभी ईडी करंट जो होता है डिजायरेबल भी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम में अनडिजायरेबल भी होता है। जहां पे मुझे हीटिंग चाहिए, मुझे इंडक्शन कॉल में मुझे हीट करना है, फर्नेस में है ना, इंडक्शन फर्नेस जो होगा उसमें मुझे हीट कराना है, तो क्या करते हैं वहां पे मटेरियल मेटल बॉडी रख लिया जो मटेरियल है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, बहुत सारे रैंडम स्लूप्स बनेंगे और वो हीट हो जाएगा। तो इंडक्शन क्वाइल, फर्नेस है ना, ये सारे इस पे, इंडक्शन फर्नेस ये सब इस पे वर्क करता है। कहीं पे एडी करेंट डिजायरेबल नहीं है, मुझे हीट नहीं चाहिए, मैं कहीं किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर और भी चीजें होगी, वहां पे मटेरियल रहेगा, मेटल बॉडी रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर एडी करंट हुआ तो एनर्जी का उसमें लॉस होगा, तो वो डिजायरेबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मेटल बॉडी है तो उसपे जहां डिजायरेबल नहीं है ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बना देते हैं और इसमें ना इंसुलेटिंग पुट कर देते हैं या ऐसे ग्रुप बना दिया। अगर ऐसे ग्रुप्स बना दिए, कट कर दिया, तो ये अगर चाह रहा कि करंट ऐसे हो तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप्स बना हुआ है यहाँ पे, कटा हुआ मटेरियल नहीं है तो ये लूप नहीं बनेगा, तो रैंडम नंबर ऑफ लूप्स को ये क्या करेगा, कम करेगा। तो जहां पे अनडिजायरेबल है विल मेक इट लाइक ग्रुप्स, या बीच में हम क्या करते हैं इंसुलेटिंग स्ट्रिप पुट कर देते हैं। क्लियर, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूप्स टूवर्ड्स स्टॉप द पाथ। जस्ट ऐसा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, मान लो एक मेटल प्लेट ले लिया बच्चों, एक सिंपल पेंडुलम है, समझना इसको, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, और इसको ऑसिलेट करा दिया। बताओ क्या होगा, ये ऑसिलेशन अगर होगा तो क्या इसमें करंट होगा कि नहीं, इसमें भी ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, हालांकि ये इसमें ईडी करंट जो होगा वो मोशनल ईएमएफ के कारण होगा, यहां भी वेल डिफाइंड करंट लूप नहीं रहेगा, रैंडम लूप्स होंगे। सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऑसिलेट करा तो ये जो ऑसिलेशन होगा वो डैम्पिंग ऑसिलेशन होगा, इसका जो एनर्जी है ऑसिलेशन का जो एनर्जी है, जो इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन का है, वो धीरे धीरे कम होते होते किसमें जा रहा है, हीट एनर्जी में जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहां पे जो हीटिंग होगा वो इसके ऑसिलेशन एनर्जी से, दिस विल बी द डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब इसका ओमेगा कुछ अलग होगा, समझा। इस पे पूछा गया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगा, इस पे कोई टॉर्क लगाएगा, यस। अगर ये चाह रहा है कि एमजी चाह रहा है कि इसको वापस लाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क सर्टनली क्या होगा, अपोजिंग वाला होगा, इसको रिटार्ड करेगा, स्लो कराएगा ऑसिलेशन को, है ना। तो हम उसके टर्म में समझेंगे कि ये स्लो डाउन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो टॉर्क है वो इस पे अपोजिट लगा रहा है एमजी के टॉर्क को, ऑसिलेशन को अपोज कर रहा है, ऐसा होगा। तो ये बेसिक है, पढ़ लोगे एचसी वर्मा से, कुछ खास नहीं है। तो बहुत पढ़ाएंगे, अभी तो ऑनलाइन है, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। सो
बच्चों एक ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इनिशियली अनचार्ज है, देखते हैं स्विच को क्लोज किया व्हाट विल हैपन। ये करंट जाने नहीं देगा और ये तो इजिली जाने देगा, है ना, और रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल केस ले लिया। तो मान लो किसी टाइम पे करंट इसमें है आई और यहां पे कुछ चार्ज है क्यू, तो यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू किसी टाइम पे, लेट एट एनी टाइम टी करंट इज आई एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ई सॉरी क्यू। किरचॉफ्स लूप लॉ देखो लिखते हैं, ई अभिषेक भाई क्या होगा यहां पे, आगे बताओ क्या लिखो यहां पे, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, सब बताओ सही लिखा, और मनस्वी बताएगी यहाँ क्या लिखूं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं माइनस क्यू बाय सी, माइनस क्यू बाय सी, सेकेंड प्लेट का चार्ज बाय सी, दिस इज द पोटेंशियल चेंज दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, बस हो गया, फिजिक्स तो हो गया, हमारा काम हो गया। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस तो पढ़ाने होगा शायद, E L into di by dt plus Q by C that is equal to E। क्या करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करें इसको, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जाएगा एल इंटू डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन बाय सी इंटू डी क्यू बाय डी टी दैट इज इक्वल टू ये dq by dt को क्या लिख सकते हैं, आई आई लिख सकते हैं, माइनस आई नहीं ना, आई करंट आ रहा है तो आई इज इक्वल टू dq by dt। ये देख के कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को, SHM मैंने ही पढ़ाया था, गुड ऋतुजीत ने कहा यस, SHM में मैंने बताया था, इसी दिन के लिए बताया था कि SHM में जो फॉर्मूला बताया हूं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहां पे ऐसे बताया था कि कुछ भी ऐसा लिखा जा सकता है, देखो x का डबल डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो x के जगह पे i है, यहां भी i है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों I इज इक्वल टू सम I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहां पे I नॉट क्या होगा ये देखना है, डेल्टा क्या होगा ये देखना है,
एंड ओमेगा क्या है ये तो पता है, ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाय एलसी, सो ओमेगा इज 1 बाय रूट एलसी। अगर बच्चों इसी को कहेंगे कि देखो साइनोसॉइडल करंट है, साइन का फंक्शन है ये, एसी करंट है, तो यहां तक लिख लो। तो यहां तक लिख लिया, आप क्या करना है, मुझे आई डॉट निकालना है, मुझे डेल्टा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, किसी को कोई आइडिया हाउ टू फाइंड दिस? तो क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो करंट कितना था, पहले तो कोई करंट नहीं था, आई इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि I इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, टी जीरो पुट कर दोगे तो डेल्टा, ये जीरो पुट कर दोगे तो डेल्टा जीरो आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखूं डेल्टा जीरो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे लिख लेता हूं। I इज इक्वल टू आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अननोन क्या बचा है, आई नॉट। आई नॉट के लिए क्या कंडीशन लिख सकते हैं, एनीवन कोई गेस करेगा क्या कंडीशन लिखो, व्हाट इनिशियल कंडीशंस, व्हाट वी नो कि आई नॉट निकल जा, एनीवन? टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो है ये तो लिख लिया, एट टी इज इक्वल टू जीरो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, जीरो, चार्ज जीरो था। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, जितना इसका है उतना अपोजिट इसका होगा, होगा कि नहीं? टी इज इक्वल टू जीरो पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस उतना ही अपोजिट इसके क्रॉस, तभी तो ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, बिकॉज इसके क्रॉस तो जीरो ही है। सो व्हाट वी नो एट टी इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू ई, और होता है कितना है, दैट मीन्स एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई, एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू ई, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको आई नॉट। सो देखो मुझे निकालना क्या था, आई नॉट, सो आई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे एट टी इज इक्वल टू जीरो है ना, तो ये cos omega t 1 हो गया, I naught is equal to E by L omega, that means E upon L, omega क्या है 1 by root LC, तो क्या आ जाएगा बच्चों E upon C by L, तो तेजस ये क्लियर हुआ क्या, आई नॉट निकल गया, सो
सो इसमें किसी टाइम पे हाँ सर आई इज इक्वल टू ई इंटू रूट सी बाई एल साइन ओमेगा टी. व्हाट इज ओमेगा? वी नो दैट. बड़ा अच्छा फील होता है ऐसे सवाल करके. कुछ कुछ इक्वेशंस लिख रहा है, इसमें फिजिक्स भी है मैथमेटिक्स भी है ना. जो तुम लोगों का मैथ पसंद है तो इसमें मैथ यूज हो रहा है. अब मुझे निकालना है किसी टाइम पे व्हाट इज करंट. सॉरी करंट तो निकालिए आप. एट एनी टाइम टी व्हाट इज द चार्ज. चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी. ये निकालना है. I is equal to I naught sine omega t. I को लिख लेंगे बच्चों dq by dt. तो dq is equal to I naught sine omega t dt. इंटीग्रेट कर लो. t is equal to zero पे चार्ज जीरो था. किसी टाइम t पे चार्ज सपोज q है. सो q is equal to I नॉट अपॉन ओमेगा. साइन ओमेगा टी का क्या होता है इंटीग्रेशन? कॉस ओमेगा टी लिमिट जीरो टू टी. ठीक है ना. माइनस कॉस ओमेगा टी होता है ना. माइनस कॉस ओमेगा टी. सो I नॉट बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. समझा क्या सवाल ये? बच्चों यहां से देखो ये कितना आ गया. आई इज इक्वल टू सॉरी आई ने क्यू Q is equal to E naught C 1 minus cos omega T. T is equal to 0 put कर दो. Initial charge 0 है. हमारा condition satisfied है. वहीं से चले हैं. अब इसमें क्या IIT पूछ सकता है और बच्चे कहां गड़बड़ कर सकते हैं? IIT simple से questions पूछेगा. T is equal to 0 पे इस पे को close किया है. तो इस पे बताओ maximum charge क्या होगा इस capacitor पे? अपर प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? बच्चे का ये कितना छोटा सा सवाल पूछा है. इतना तो आसान है. ईसी हो जाएगा. कैप्शन सी क्यू इज इक्वल टू ईसी. क्या ये सही ऑप्शन है? सही कॉन्सेप्ट है इसे मैक्सिमम चार्ज. आंचल पाटिल कितना होगा मैक्सिमम चार्ज? किरण ने कहा सही है. किरण सही है क्या? धनंजय ने कहा नहीं सर 2EC होगा. देखो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 2EC. और ये बहुत ज्यादा बच्चे गड़बड़ी कर सकते हैं. ये ऑप्शंस दिया रहेगा और तुम लोग ये टिक करके आओगे तो ध्यान देना है. आज मतलब तुमने ये सीखा है इसमें मैक्सिमम चार्ज 2EC होगा. मतलब इसके बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का कहेगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस कितना हो सकता है. तो लोग कहेगा कि ई हो सकता है. ई नहीं मैक्सिमम 2E हो सकता है. हो सकता है कि नहीं? समझ रहे इस बात को? जिस समय 2EC हो जाएगा इस पर चार्ज उस समय पोटेंशियल डिफरेंसेस के अक्रॉस
2E होगा। चलो तो ये सारे ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, समझो इसको, देखो सोचो क्या हो रहा। आईआईटी यही पूछता है, ये है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। सो इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट सॉल्विंग। ये सर्किट हमने बनाया है, स्विच इज एट पोजिशन वन फॉर लॉन्ग टाइम, t इज इक्वल जीरो पे t शिफ्टेड टू पोजिशन टू, देन फाइंड चार्ज करंट इन द इंडक्टर एट एनी टाइम t, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। तो देखो बहुत आसान है, इसका मैक्सिमम चार्ज कितना है, इनिशियली E नॉट E इंटू सी नॉट, सी नॉट ई। तो हमारा सर्किट तो एक्चुअली ऐसा है, मान लो इस पे किसी टाइम पे चार्ज Q है, करंट यहां पे I है, तो मैं यहां से लिखता हूं, यहां से यहां गया माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, यहां से यहां गया प्लस क्यू बाई सी नॉट दैट इज इक्वल टू जीरो एल इंटू डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू Q by C naught, क्या करें इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, सर इसे इसमें निकालना क्या है, करंट एट एनी टाइम t, जब यहां स्विच कर दिया तो इसमें करंट क्या होगा किसी टाइम पे, करंट क्या होगा किसी टाइम पे। तो देखो अगर आई निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एल इंटू डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर, क्यू बाई सी कोड वन बाई सी नॉट डी क्यू बाई डी टी, और मुझे ये बताओ कि dq by dt को i लिखूं या माइनस i लिखूं, शायद तुम लोग कंफर्म हो गए माइनस i, माइनस i, बिकॉज ये जो चार्ज है ना ये कम हो रहा है तभी करंट है ना, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एल सी, सी नॉट दे दिया, सी नॉट पुट कर दो इनटू आई, तो फिर से वही इक्वेशन आ गया, सो आई इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एट टी इज इक्वल टू जीरो आई जीरो है so delta will be zero, so फिर से आ गया I is equal to I naught sin omega t। अब सवाल आता है कि I naught क्या लिखें, what will be I naught,
सो बच्चों इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इनिशियली ये फुल्ली चार्ज है, पूरा एनर्जी इसी में स्टोर था कैपेसिटर में। जैसे ही कनेक्ट किया तो ये चार्ज ऐसे फ्लो कराना चाहेगा, तो दो तरीका निकाल देता जो अभी हमने पिछले सवाल में किया था। टी इक्वल जीरो पे इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना इसके अक्रॉस है। तो वो फंडा यूज कर सकते हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस टी इक्वल जीरो पे इसके अक्रॉस है, इस पे चार्ज मैक्सिमम है, उसमें करंट जीरो है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसमें मैक्सिमम। बच्चों जिस समय इसमें चार्ज मैक्सिमम है उस समय इसमें करंट जीरो है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा। इनफैक्ट तो टी इज इक्वल जीरो पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसके क्रॉस, तो उससे आई नॉट आ जाएगा। या दूसरा तरीका, इसका चार्ज घट रहा है, इसका चार्ज घट रहा है, इसमें करंट क्या हो रहा है बढ़ रहा, और चार्ज घटते घटते इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, चार्ज इसका घटते 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 इसका जो एनर्जी है वो एनर्जी इसमें जा रहा है, इसका एनर्जी घट रहा है, इसका एनर्जी बढ़ रहा है। एक समय क्या हो जाएगा, ये हाथ खड़ा कर देगा, मेरा सारा चार्ज खत्म, इसका सारा चार्ज खत्म, इसका करंट इस समय मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ करंट जीरो हो जाएगा, डीआई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो हो जाएगा। चार्ज इसका सारा खत्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसका जीरो हो जाएगा, करंट मैक्सिमम है। अब क्या होगा, करंट तो ऐसे आ रहा है, जब ऐसे करंट आ रहा है तो क्या होगा, ये चार्ज जीरो हो गया, अब करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल होने लगेगा यहां से ऐसे करके ऐसे, तो अब इसका चार्ज बढ़ने लगेगा और इसका करंट घटने लगेगा, फिर इसका एनर्जी घटते 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 सब एनर्जी फिर इसमें स्टोर होगा, फिर ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगा, फिर इसका करंट जीरो हो जाएगा, करंट घटते घटते क्या हो जाएगा जीरो, इस पे टोटल चार्ज आ जाएगा, करंट बिकम जीरो, सारा एनर्जी इसमें आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ऐसे करंट होगा, करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, फिर करंट विल बी इन दिस वे, फिर वही प्रोसेस ऐसे। समझा क्या ये प्रोसेस, दिस विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, मतलब इसमें करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग, द इनर्जी ऑन द कैपेसिटर इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग, इनर्जी इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग। अगर मैं तुमसे किसी से पूछूं कि इसका करंट का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है, एसएचएम पढ़ ही चुके हो, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है करंट का, तो एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, टी टू टी या टी बाई टू। So if we talk about energy, तो हाफ एल आई स्क्वायर करोगे तो उसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इतना लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। सो एनर्जी का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 ओमेगा, और ये वेल नोन फैक्ट है, मेंस में तो यही क्वेश्चन आ सकता है, मेडिकल वाला में तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। जैसे एसएचएम में, मैं फिर से बोल रहा हूं, एसएचएम में एसएचएम का अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो उसके एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2f, टाइम पीरियड क्या होगा टी बाय 2। वही चीज यहां पर तीन बार मैंने रिपीट कर दिया बच्चों, अभी मुझे निकालना था आई नॉट, मैंने बहुत सारी चीज बोल दिया ऐसे,
आउट निकालना था, एक कहा कि एट टी इक्वल टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। हालांकि ये तो हर जगह पे होगा, हर टाइम पे होगा, एट एवरी टाइम, चूंकि यही दो है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस उतना ही अपोजिट सेंस का इसके अक्रॉस, यहां से यहां बढ़ेगा यहां से यहां घटेगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होना। लेकिन टी का जो जीरो की बात अगर मैं करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मुझे पता है ई नॉट, चूंकि ई नॉट सी ई सी नॉट बाई सी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा एल इन टू डी आई बाई डी टी, है ना। सो एल इन टू आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू ई, सो यहां से आई नॉट आ गया ई बाई एल ओमेगा। दिस इज वन वे, वन मेथड टू फाइंड। अल्टरनेट मेथड, आई नॉट निकालना है तो जिस समय करंट मैक्सिमम होगा उस समय सारा एनर्जी इंडक्टर में होगा, और वो इंडक्टर में कितना एनर्जी होगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और वो एनर्जी आया कहां से, जो पहले कैपेसिटर में था, कैपेसिटर का सारा एनर्जी इसमें चला गया था, कैपेसिटर में था हाफ सी नॉट ई स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। यहां से I नॉट इजली आ जाएगा C नॉट बाई L इंटू E। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर दोनों मेथड से? तो अब मैं सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कि इस बार तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। पहले बच्चों वन पोजिशन पे था, फिर बाद में टू पोजिशन पे शिफ्ट किया टी इक्वल टू जीरो पे, अब चार्ज निकालना, करंट निकालना किसी टाइम पे, वही सवाल। इसमें एक इन कैपेसिटर भी लगा दिया, सो बच्चों इस पे मैं कैसे सॉल्व करूं, इनिशियली इस पे चार्ज था क्यू नॉट, इनिशियली इस पे चार्ज था क्यू नॉट जो कि था सी नॉट इनटू ई, और ये चार्ज घटना शुरू हुआ किसी टाइम पे, इस पे क्यू है तो इस पे कितना चार्ज होगा उस टाइम पे, क्या इस पे भी क्यू लिखूं या कुछ और लिखूं? मान लिया किसी टाइम पे चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज क्यू। धनंजय ने बताया सर ये हो जाएगा ई सी नॉट माइनस क्यू, जो चार्ज था वही चार्ज तो इस पे गया, घट रहा, बहुत बढ़िया, सब लिख लेते हैं, बस इतना ही तो फिजिक्स इतना ही था, यहां से यहां चलते हैं, यहां से पहले यहां से यहां लिख लेता हूं, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, यहां से हां माइनस ई सी नॉट माइनस क्यू बाई सी नॉट, यहां से हां प्लस क्यू बाई सी नॉट, सेकेंड प्लेट का चार्ज दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यही आ गया, बस इसको सॉल्व कर लो।
एल इंटू डी आई बाई डी टी That is equal to minus E C naught by C naught. That means minus E plus 2Q by C. Yeah, ऐसे ही रहने दो. यही आ गया बच्चों. इसको फिर से क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एंड यू विल गेट द रिलेशन. समझ में आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. एल इंटू डी आई बाई डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस प्लस टू बाई सी नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी इज माइनस आई, तो माइनस आई है ना. तो तुम्हारा ये सिर्फ सी के जगह पे सी नॉट बाई टू आ गया, बिकॉज ये दोनों कैसा है, सीरीज में है. तो ऑसिलेशन का तुम्हें टाइम पीरियड निकल जाएगा. इनिशियल कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली स्पेस पे चार्ज क्या होगा वो लिख लोगे. सो यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस. कुछ भी पूछेगा निकाल सकते हो. तो ऐसे सवाल हो गए, बहुत सारे हो गए. मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सवाल पे चलता हूँ बच्चों. तो इस टाइप का अगर तूने ये सॉल्व कर लिया, सो वी कैन गिव दिस टाइप ऑफ सम आल्सो. पहले ये इंडक्टर यहाँ पे है वन पॉइंट पे फॉर लॉन्ग टाइम, टी इक्वल जीरो पे टी शिफ्टेड टू पोजिशन टू. फिर अब इसमें करंट निकालना है, इसमें चार्ज निकालना है, ठीक है. एस इज at position 1 for long time, then at t is equal to 0 it is shifted to 2, find current at any time t, charge on capacitor at any time t. इस टाइप के सवाल कर लोगे. एक सवाल और करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा आजकल. बच्चों ये इरोडोव का सवाल है, ये अब इससे हटके मैं बता रहा हूं. ऐसा लूप रहता है, मतलब ये एक टाइप का बना हुआ, बट ये थोड़ा बड़ा है. मान लो ये सर्किल बन रहा है सपोज 2R रेडियस का, और ये सर्किल बन रहा है R रेडियस का, एंड देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड B and B is increasing. B is increasing with time. Let's dB by dt is equal to alpha.
मुझे बताना है कि इसमें करंट क्या होगा, यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब स्मॉलर लूप में क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। करंट इन स्मॉलर लूप कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, ऐसा कुछ दे दिया। तो अभी बताओ बच्चों कि इसमें फ्लक्स कैसे लिखें, क्या फ्लक्स जो हो जाएगा किसी टाइम पे B इंटू इस लूप से B इंटू पाई इंटू टू आर का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर इतना होगा या माइनस होगा, क्या होगा? कुछ बच्चे इसको कर लिए होंगे, कुछ बच्चे को नहीं पता होगा, ये जनरली डाउट में आता है। किरण करनाल, क्या लिखूं यहां पे, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? फ्लक्स, तो सुनना, अगर हमने लूप में एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं बताया था कि इस पे सेंस ऐसे पुट करो, तो ऐसे सेंस अगर करंट का आया यहां पे ऐसे, तो इसमें ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए एरिया वेक्टर अगर इनटू द प्लेन है तो इस लूप के लिए एरिया वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है। तो अगर टोटल फ्लक्स अभी इस लूप से लिखना है तो बी इंटू पाई टू आर स्क्वायर इसका पॉजिटिव होगा तो इसका निगेटिव होगा बच्चों, सो यहां पे क्या होगा, माइनस साइन। मतलब चूंकि ये बड़ा छोटा ये बड़ा है तो इसमें जो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंगली करंट होगा लूप में। अब देखो इस डायरेक्शन में अगर मैंने सेंस किया तो इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इनटू द प्लेन का, तो करंट कैसा होगा, उल्टा होगा, करंट इस सेंस में होगा, तो करंट ऐसे होगा और इसमें ऐसे जाएगा। So this will be the direction of current. Is it clear? Current ऐसा होगा और कितना होगा current? तो flux का जो rate of change हो गया B into pi into 2R का whole square minus R square तो 3R square. This is the flux. और dB by dt rate of change of flux. This is the induced EMF. So current will be E by how much resistance? Total length हो जाएगा 2 pi into 2R plus 2 pi R. That means 6 pi R is the circumference length into lambda. That means current will be alpha pi 3R square divided by 6 pi R lambda. देखना कोई calculation mistake की है क्या? Alpha pi चला जाएगा 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 lambda into R. कोई calculation mistake नहीं किया ना?